हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी नई भर्ती 2023 के बारे में, जिसकी एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंडियन आर्मी नई भर्ती 2023 डिटेल्स चेक करेंगे। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन नेम इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो हमारा नेम ऑफ द पोस्ट अभी वेरियस पोस्ट पे रखा गया है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो हमारा नंबर ऑफ पोस्ट 17 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। जॉब लोकेशन की बात करें तो हमारा जॉब लोकेशन अनाउंस्ड लेटर यानी बहुत ही जल्द जारी कर दी जाएगी। स्टेट नेम की बात करें तो हमारा स्टेट नेम ऑल ओवर इंडिया रखा गया है, यानी इंडिया के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड रखा जाएगा, यानी सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए ऑफलाइन ही आवेदन कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो हमारा क्वालिफिकेशन, अगर आपने इंडिया के किसी भी बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास की है तो ही आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी वैकेंसीज पोस्ट नेम और एज लिमिट की बात करें तो सबसे पहले अगर हम कुक स्पेशल की बात करें तो हमारा कुक स्पेशल के लिए 2 पोस्ट रखी गई है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल तक के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम MT ड्राइवर की बात करें तो MT ड्राइवर के लिए 7 पोस्ट रखी गई है। 18 से 27 साल तक के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। LDC की बात करें तो LDC के लिए 3 पोस्ट 18 से 25 साल तक की उम्र रखी गई है। अगर हम वेटर की बात करें तो वेटर के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। 18 से 25 साल तक के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम ग्रूम की बात करें तो ग्रूम के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। 18 साल से लेकर 25 साल तक के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम ग्राउंडमैन की बात करें तो ग्राउंडमैन के लिए 1 भर्ती रखी गई है। इसमें भी 18 साल से लेकर 25 साल तक के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इंडियन आर्मी नई भर्ती 2023 एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो हमारा एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपये की फ़ीस रखी गई है। SC ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए नील रखा गया है, यानी SC ST OBC और PH एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को कोई भी फीस पे नहीं करना है। अगर हम पेमेंट मोड की बात करें तो हमारा पेमेंट मोड ऑनलाइन मोड रखा जाएगा, यानी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से, माफ़ कीजिएगा, पेमेंट मोड भी हमारा ऑफलाइन मोड रखा जाएगा। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले हमें बेसिस ऑफ मेरिट पे निकाला जाएगा, उसके बाद रिटर्न एग्जाम हमें देना है, स्किल टेस्ट देना है, उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन हमें देना है, उसके बाद हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अगर हम इंडियन आर्मी नई भर्ती 2023 क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमारा क्वालिफिकेशन, अगर आपने इंडिया के किसी भी बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास की है, उसके साथ साथ नॉलेज ऑफ इंडियन इन कुकिंग, नॉलेज ऑफ हिंदी की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इंडियन आर्मी नई भर्ती 2023 सैलरी और पे स्केल की बात करें तो हमारा सैलरी 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक लेवल 2 पे दी जाएगी। अगर हम इंडियन आर्मी नई भर्ती 2023 एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले पार्ट में हमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रिजॉइनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए दिया जाएगा। उसके बाद जनरल एवरेंस के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। तीसरे पार्ट्स में हमें जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए मिल जाएगा। अगर हम चौथे पार्ट्स की बात करें तो नंबरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए दिया जाएगा। अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए रखा गया है। अगर हम इंडियन आर्मी नई भर्ती 2023 इम्पोर्टेंट डेट की बात करें, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई के लिए 2/9/2023 से स्टार्ट कर दी जाएगी, यानी 2/9/2023 से अप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम लास्ट डेट टू अप्लाई की बात करें तो हमारा लास्ट डेट टू अप्लाई 16/10/2023 रखा गया है। अगर आप भी इंडियन आर्मी के फॉर्म के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड करा दिया है, जहां जाकर आप इस फॉर्म की नोटिफिकेशन चेक कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।